पटाखे में आस्था के रंग में डूबे हुए हैं भक्त। भक्ति भाव के साथ श्रद्धालु जगन्नाथ रथ यात्रा की आराधना में जुटे हुए हैं। एक तरफ जहां भक्तों की लंबी कतार है, तो वहीं भगवान को रथ पर सवार करने वाले के लिए लोग भी उत्साहित हैं। उनके पूर्वज ही शुरू से रथ यात्रा के मौके पर भगवान को रथ पर सवार करने का काम करते हैं, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता कुमार चंदन ने। मंदिर में कैसे तस्वीरें हैं, कैसे लोग भक्ति में नजर आ रहे हैं, देखिए। रथ यात्रा के आयोजन को सफल बनाने के लिए किस तरह से श्रद्धालु जुटे रहते हैं, मंदिर के अंदर की तस्वीर देखिए। ये सभी लोग भगवान को यहाँ से रथ तक रथारूढ़ करते हैं और वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। आप लोग भगवान को रथ तक ले जाते हैं, कितने लंबे समय से आप लोग लगातार ये कर रहे हैं? हम लोग बहुत पूर्वजों से, बहुत बूढ़े पर वो समय से, उस समय से हम लोग पहले से करते आ रहे हैं उसको। हम लोग भी, हम नौजवान लोग उसको निभा रहे हैं। जो हम लोग का जो कुशवाहा कीर्तन मंडली गुरु है रातों के, वो बरसों से निभाते आ रहे हैं वो कार्य। हम लोग भी भगवान जी का सेवा कर ये रहे हैं। कैसे आप लोग ले जाते हैं रथ पे? सब ढोके कंधे पर करके। कितना पुण्य का भी काम मान ले? बहुत बड़ा पुण्य है जो कि नसीब को ही मिलता है भगवान को ढोने के लिए। अच्छा, आप लोग बचपन से देखते आए होंगे, फिर अब आपको मौका मिला होगा, बचपन में क्या सोचते हैं? बचपन में यही इच्छा रहता था कि मिले एक धर्म के स्थान पे जाके, वहाँ पर भगवान को जो सेवा करने का जो मौका मिलता है वो हर किसी के बस की नहीं है। तो देखिए, ये सभी लोग हैं जो भगवान को कंधे पर यहाँ से मंदिर से और रथ पे ले जाकर और रथारूढ़ करते हैं, और इस तरह से लंबे समय से ये परंपरा इनके पूर्वजों से चलती आ रही है। कुल मिलाकर अगर हम कहें तो इस रथ यात्रा को लेकर लोगों के अंदर बहुत ही भारी उत्साह होता है, और पूरी रांची ही नहीं, रांची के आसपास के लोग भी इस रथ यात्रा में उमड़ पड़ते हैं। रथ की रस्सी को छूने से लेकर खींचने को लेकर गजब का उत्साह लोगों के अंदर होता है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ कुमार चंदन। तो देखिए, आज से जगन्नाथ रथ यात्रा मेले की शुरुआत होने जा रही है। भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालु यहां पर जुटते हैं। दोपहर 2 बजे रथ पर विराजमान होंगे भगवान जगन्नाथ। रथ यात्रा को देखते हुए रांची में बढ़ाए गए सुरक्षा व्यवस्था, और साथ ही आज से जगन्नाथ रथ यात्रा मेले की शुरुआत हो जाएगी। प्रभु जगन्नाथ के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में भक्त पहुँचते हैं, और न केवल देश से बल्कि विदेश से भी श्रद्धालु यहां दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। दोपहर 2 बजे रथ पर सवार किया जाएगा भगवान जगन्नाथ को। ये देखिए, आप देख पाएंगे किस तरह से भगवान जगन्नाथ की आरती तक करने के लिए वहां पर भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। मंदिरों को सजा दिया गया है, और झारखंड की रीति रिवाजों के जरिए भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा आज निकाली जाएगी। जगन्नाथ रथ मेले की आज से शुरुआत हो गई है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा पाठ में जुटे हुए हैं। मंदिर के बाहर 2 किलोमीटर तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हुई हैं। 2 बजे भगवान रथ पर सवार होंगे। लक्षण चाना पूजा के बाद रथ यात्रा की शुरुआत होगी, और जिसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता कुमार चंदन ने, ये भी देखिए। हम इस वक्त रांची के प्रसिद्ध जगन्नाथपुर मंदिर में हैं, और आप ये सीधी तस्वीर मंदिर के अंदर देख रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भ्राता बलभद्र सभी लोग मंदिर में, मंदिर के बाहर हैं, और भक्तों के दर्शन के लिए सुलभ है। विधि विधान के साथ लंबी कतार में लगकर श्रद्धालु भगवान के पूजन अर्चन में विधि विधान के साथ जुटे हुए हैं। लगभग 2 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी कतार है, और ये कतार सुबह से ही लगी हुई है। बारी बारी से श्रद्धालु कतारबद्ध होकर पूजा पाठ कर रहे हैं। रथ मेला, रथ यात्रा का लगातार लंबे वक्त तक लोग इंतजार करते हैं, पूरे साल तक इंतजार रहता है। फिर विधि विधान के साथ लक्षार्चना पूजा होगी। तो ये आप देख रहे हैं जगन्नाथ मंदिर के अंदर की तस्वीर, जहाँ श्रद्धालु लंबी कतार में कतारबद्ध होकर पूजा
पूजा कर रहे हैं, भगवान जगन्नाथ से अपने मन्नत उनके सामने रख रहे हैं। तो ये सीधी तस्वीर हम आपको जगन्नाथपुर मंदिर के अंदर से दिखा रहे हैं, जहां सुबह से लंबी कतार लगी हुई अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ कुमार चंदन। वहीं गुमला में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। यहां हर साल भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। सुबह से ही जगन्नाथ मंदिर में लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। लोग पूरी विधि विधान के साथ भगवान जगन्नाथ, भाई प्रहलाद और बहन सुभद्रा की पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान पूरे विधि विधान के साथ पहले पुरोहितों की ओर से पूजा की गई और इसके बाद मंदिर का द्वार आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। बाद में लोग मंदिर में पहुंचकर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। गुमला जिले में ऐसे तो कई स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है, लेकिन गुमला जिला मुख्यालय के करौंदी और नागफनी के जगन्नाथ मंदिर में पूजा करने की परंपरा सैकड़ों सालों से चली आ रही है और इन दोनों स्थानों पर पूजा का अपना ही एक अलग महत्व होता है, इसलिए यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ ज्यादा देखने को मिलती है। क्या मन्नत क्या मांगा आप? भगवान सभी के जीवन में पूजा पाठ करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा और बहुत ही शुभ दिन है और हम लोग भगवान सभी प्रार्थना करने आए हैं। सबका कल्याण हो, समाज का कल्याण हो। और अभी जो इतना जो मौसम खराब चल रहा है, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, लोग परेशान है, उससे थोड़ी राहत मिले और लोग सुकून से रह सके, ये भगवान का काम है। आप लोगों ने पूजा कर ली? हाँ, हम लोगों ने पूजा कर ली और काफी अच्छे तरीके से पूजा हुआ। आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा को नेत्रदान करने के पश्चात द्वितीया को जो महाप्रभु का रथ यात्रा लगता है, उसके उपलक्ष्य में पहले पुजारी सबसे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में पूजन करते हैं। उसके बाद यहाँ के जो सेवित हैं, मालिक जो कहे जाएंगे, उनका पूजन होता है, वह ध्वजारोहण करते हैं मंदिर में भगवान का प्रतीक के लिए। और उसके बाद उसके बीच में भी श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है, सबकी पूजा होती है। रथ 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 कब क्या आता है? रथ शाम को 5:30 बजे यहाँ से प्रस्थान के भगवान अपने गर्भगृह से निकल के रथ पर सवार होंगे और मौसी बाली की ओर जाएंगे। तो आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। गुमला में भी श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। श्रद्धालु काफी खुश नजर आ रहे हैं। मंदिरों में पहले पुरोहितों ने पूजा अर्चना की और उसके बाद आम लोगों के लिए मंदिरों के कपाट खोले गए हैं, ताकि आम लोग भी मंदिरों में पहुंचकर भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर सकें। आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई प्रहलाद साथ में मौजूद हैं, जिनकी आज रथ यात्रा निकलेगी। रांची में सुबह से ही जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। लंबे कतार में लगकर भक्त रथ पर भगवान के सवार होने से पहले पूजा करते नजर आए। कतार में शामिल भक्तों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कुमार चंदन ने, देखिए। जगन्नाथ रथ यात्रा से ठीक पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी हुई है। हम इस वक्त मंदिर परिसर के बाहर की आपको तस्वीर दिखाते हैं। सामने जगन्नाथ मंदिर है और ये पूरा परिसर आप दूर तक देखेंगे तो पीछे सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालुओं की लंबी 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 कतार ही नजर आएगी। श्रद्धालु सुबह से ही कतार में लगे हुए हैं और विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं। हम ये समझने की कोशिश भी करते हैं कि कितना लंबा इंतजार होता है। आप लोग पूजा करने आई हैं? मैम, आप लोग पूजा करने आई हैं? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि पिछले कुछ सालों से इस तरह से आयोजन नहीं होता था, इस बार अच्छा आयोजन हो रहा है, आप लोगों को कितनी खुशी है? हम लोग को बहुत खुशी लग रहा है। कोरोना काल में बहुत ज्यादा हो रहा था, इसीलिए कहीं भी जहाँ भी दार्शनिक स्थल में अभी बहुत भयंकर भीड़ हो रही है। आप भी पहुंची हैं, क्या कहेंगी दर्शन करने जा रही हैं? हाँ, पिछले साल से ज्यादा भीड़ है आज। आज देखिए दर्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, बिल्कुल लोगों का ये मानना है कि भगवान जगन्नाथ खुद निकलते हैं बाहर और लोगों का कष्ट हरते हैं। आप लोग भी पूजा करने आई हैं? हाँ।
कितनी खुशी है, हालांकि लंबी कतार है, खुशी तो बहुत है, वो पहुंचने ही वाले हैं। हम लोग सुबह 7 बजे से लाइन लगे हुए हैं। तो देखिए लंबी कतार है, आप देखेंगे तो दूर तक आपको सिर्फ श्रद्धालुओं की भीड़ ही नजर आएगी, और इस भीड़ के बीच भी श्रद्धालु उत्साहित होकर मंदिर पहुंच रहे हैं, जगन्नाथ स्वामी के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और इसके बाद रथ यात्रा में शामिल होंगे। तो ये तस्वीर है जगन्नाथ मंदिर की, नज़ारा है जगन्नाथ मंदिर का, जहां उत्साह के साथ श्रद्धालु जगन्नाथ मेले में इस रथ यात्रा में शरीक होने के लिए पहुँच रहे हैं। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट संजय सिंह के साथ कुमार चंदन, रांची।